जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम शेखर कुमार चौहान, मेरा यूट्यूब चैनल शेखर फायर फाइटर। मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं फायर सेफ्टी की वीडियो शेयर करता हूं। और आज फिर मेरा एक टॉपिक होगा जो सेफ्टी से रिलेटेड होगा। सेफ्टी में मैंने कल आपको एक्सीडेंट, नियर मिस और इंसिडेंट के बारे में बताया था, लेकिन फिर से मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ एक्सीडेंट। सबसे पहले मैं एक्सीडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। एक्सीडेंट क्या होता है? कोई भी अनियोजित या अप्रत्याशित घटना जो जीवन, संपत्ति या वातावरण को नुकसान पहुँचाती है, उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं या एक्सीडेंट कहते हैं। एक्सीडेंट अनसेफ्ट एक्ट और अनसेफ्ट कंडीशन के कारण होता है। जो भी नया सिनेरियो आया है उसमें 96% अनसेफ्ट एक्ट और 2% नेचुरल और 2% अनसेफ्ट कंडीशन के कारण एक्सीडेंट होता है। और उससे पहला जो सिनेरियो था वो 88% अनसेफ्ट एक्ट के कारण होता था और 10% अनसेफ्ट कंडीशन के कारण और 2% हमारा नेचुरल। फिर मैं आपको हजार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। हजार्ड किसे कहते हैं? कोई भी अनियोजित या अप्रत्याशित घटना जो जीवन, संपत्ति या वातावरण को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखती है, उसको हम हजार्ड बोलते हैं। हजार्ड के साथ में अगर आप कोई भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए हजार्ड होता है। उसके बारे में मैं हेल्थ से रिलेटेड आपको बताना चाहूँगा। हेल्थ क्या होता है कि आप, हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल रूप से फिट रहें। हेल्थ का मतलब ये होता है कि आप फिजिकल रूप से फिट रहें, आप मेंटली रूप से भी फिट रहें और आप सामाजिक रूप से फिट रहें। तो हेल्थ के बारे में आपको प्रॉपर फिट होना चाहिए, उसको बोलते हैं हेल्थ। हेल्थ में आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है, मेंटली स्ट्रांग होना है और सामाजिक रूप से भी स्ट्रांग होना है, उसको हेल्थ बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है इंजरी। इंजरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी ऐसी स्थिति जिसको आपकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, उसको हम इंजरी या चोट कहते हैं। या कोई भी ऐसी बाहरी ताकत जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, या कोई भी ऐसी बाहरी बल जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं करती है, उसको भी हम इंजरी कहते हैं। और फिर भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।